हे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो पहली न्यूज के बारे में बात करते हैं, मोस्ट व्यूड रील के बारे में। शायद ही इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रील है। एक अकाउंट है इनफ जय, उनका सबसे ज्यादा इंडिया में देखा जाने वाला रील है, जिसमें कि आप देख सकते हैं दोस्तों 224 मिलियन व्यूज हैं उस रील में एंड 13 मिलियन लाइक्स हैं गाइस। 12 मिलियन तो भाई शेयर ही हो गए हैं इस रील के, और शायद ये मोस्ट लाइक्ड एंड शेयर्ड इंस्टाग्राम रील है इंडिया की। दोस्तों ये तो रील की बात हो गई। या पोस्ट जो थी सबसे ज्यादा मोस्ट लाइक्ड पोस्ट, वो तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की थी और कियारा आडवाणी की थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैरिज की पोस्ट है गाइस सबसे ज्यादा मोस्ट लाइक्ड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम इन इंडिया। इसमें 16 मिलियन से ज्यादा भी लाइक्स है। उस रील में ऐसा क्या है जिससे इतने सारा व्यूज कलेक्ट हो चुका है उस वीडियो में, उस रील में? मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। यहाँ सारे पार्टी पे एंजॉय कर रहे हो, आप क्यों उदास खड़े हो? पार्टी मेरी दी हुई है। तो इसमें उदास होने वाली बात कौन सी है? पार्टी का बिल 12,000 से ऊपर हो चुका है। वैसे पार्टी किस चीज़ की चल रही है? ये बाइक ली थी मैंने सेकंड हैंड, उसकी पार्टी है। कितने की पड़ी बाइक? 5,500। आपको बता दूं, वर्ल्ड का मोस्ट इंस्टाग्राम रील जो लाइक हुई है वो लियोनेल मेसी की है, जिसमें कि 23 मिलियन लाइक्स हैं गाइस। मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया इस रील के बारे में, इनफ जैकी की, इतने सारे व्यूज ये रियल हैं या फेक हैं, और ये भी पता करा कि इतने सारे, मतलब कि इंडिया की मोस्ट रील, मोस्ट लाइक्ड रील और इतने व्यूज वाली रील यही है। लेकिन गाइस मेरे को तो पता नहीं चला कुछ। अगर आपको पता हो कि इंडिया की मोस्ट रील, मोस्ट लाइक्ड रील कौन सी है, तो मेरे को बता देना नीचे कमेंट में। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स वाला के बारे में। तो गाइस उनका प्रॉफिट 2022 में 98.2 करोड़ था, और बता दूं अभी 2023 में अभी उनका 91% डिक्लाइन हुआ है गाइस, बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं वो अभी। उनका 2023 में 8.9 करोड़ का कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये तो काफ़ी कम है गाइस पिछले साल से। तो अभी वो बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। किसी एक जन ने रीज़न दिया है इस चीज़ का, उन्होंने लिखा है कि द रीज़न वॉज प्राइमरी ड्यू टू अ सब्सक्रिप्शनल राइज इन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं गाइस, एक वीडियो के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है गाइस कल से। तो गाइस मैं वो वीडियो तो दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस वगैरह पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है वो चीज़। आप देखोगे तो आपको ही मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो एक बंदा है महाराष्ट्र में जो कि एक पेट क्लिनिक में एक डॉग को बार बार पंच वगैरह करता है, वो किक वगैरह करता है, बहुत मारता है उस डॉग को। जो वीडियो शूट कर रहा है वो भी उस डॉग को बहुत हर्ट करता है, बहुत मारता है। तो गाइस अभी ये जो इनकी वीडियो हो रही है वायरल, जो कि ये दोनों वीडियो बना रहे थे, उन दोनों को अभी अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ वगैरह कंप्लेंट वगैरह करी थी। बता दूं जो वो डॉग है उसका भी हेल्थ वगैरह सब ठीक है, अभी स्टेबल है वो। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं गाइस, गौरव जोन के बारे में। तो गाइस गौरव जोन का घर अभी टूटने वाला है, क्यों तोड़ने वाले हैं गाइस, इसी के बारे में उन्होंने कुछ बताया, गौरव जोन ने कुछ बताया, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी थी, आप देखिए। बर्बाद हो गया मेरी कॉलोनी ना, अभी रिसेंटली पास हुई थी, दिल्ली में मैं रहता हूं, और भाई हमारी कॉलोनी जैसी पास होगी, पहले अनऑथराइज थी बट पास हो गई है, ये अच्छी बात है। बट गवर्नमेंट यार रोड चौड़ी कर रही है, तो उसके चक्कर में घर भी तोड़ रही है आगे आगे से। ये मेरी मौसी हैं, सब दुखी हैं, ये देखो भाई कैसे तोड़ाई चल रही है। अभी वो मंदिर टूट रहा है सामने का, फिर हमारा शायद घर भी जाए, क्योंकि ये भी देखो थोड़ा थोड़ा रोड पे आता है, ये देखो ऐसे करके। मैं पूरा दिखा नहीं सकता, मेरा घर रिवील हो जाएगा। और अभी तो उसकी चल रही है बस, ये देखो तोड़ाई, बस मेरे को डर है मेरे घर ना टूट जाए यार, शिट। ये देखो भाई, क्योंकि मेरी ये भी ना रोड पे आता है भाई, ये देखो कितनी पुलिस और कितनी भीड़ है भाई, ये देखो कितनी फोर्स। अब देखने का ये, मेरा घर ना टूट जाए भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये मंदिर टूट रहा है, ये वाल्मीकियों का मंदिर है यहाँ पे। अगली स्टोरी में मैं आपको बताऊँ क्या मेरा घर टूटा या बच गया भाई, बस दुआ करो मेरा घर ना टूटे और इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो गाइस कैरी मिनाटी अपने सारे फॉलोअर्स फैंस को सॉरी वगैरह बोले, क्योंकि उनका सेकंड चैनल है कैरीज लाइव, तो वहाँ पे काफी समय से वो लाइव नहीं आए हैं। आपको पता होगा इस चैनल पे कैरीज लाइव पे वो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं। उन्होंने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में एक चीज लिखी, सॉरी फॉर दी नॉट स्ट्रीमिंग दिस पास्ट डेज, जिंदगी में भसड़ चल रही है, वी विल बी बैक फ्रॉम टुमारो, बस और कोई छोदी ना हो। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। गाइस अभी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, वो अभी हो गई है एज रिस्ट्रिक्टेड। अब इसमें यूट्यूब तो रीजन बताता नहीं है एक्जैक्टली कि किस वजह से एज रिस्ट्रिक्टेड हुई है। शायद टोटल गेमिंग ने गैस किया यूट्यूब से कि यूट्यूब ने क्यों उनकी एज रिस्ट्रिक्ट करी है, शायद उन्होंने गांजा वगैरह कुछ पिया था, उनको ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से एज रिस्ट्रिक्टेड हुई है। अब इसी बारे में उन्होंने डिटेल से कुछ बताया, आप देखिए। तो मेरे को एज रिस्ट्रिक्ट मिला है, तो 0.4 सेकंड पे मैंने क्या दिखाया था, मैंने हाथ पे बोरकुट दिखाया था, जो कि मैं बोरकुट खा रहा हूँ, और बोरकुट का कलर सिमिलर टू, देखो मतलब हमने गांजा देखा है, किसी ने पिया नहीं है, तो वो गांजे जैसा था, तो वो कलर देख के यूट्यूब ने आई थिंक वो कर लिया होगा कि ये गांजा पी रहा है। और ऊपर से मेरा ना वीडियो में, जिनने वीडियो देखा है पता होगा, मेरा जो राइट वाला आंख है वो रेड हो गया है, और वो होने का रीजन है कि मैं 2 दिन सोया नहीं था सही से, लाइक मतलब मैं काम कर रहा था, मैं जो पहले आप लोगों को बताया था एक बार कि दोस्त का एक बिजनेस में हेल्प कर रहा हूँ, जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया, मेरे को भी बाद में जाके फायदा मिलेगा, तो मैं सोया कम था, तो इस वजह से मेरी आंख रेड हो गई थी। तो यूट्यूब को मे भी ऐसा लगा होगा कि ये बंदा
फुक्के गेम खेलने बैठा है भाई, क्या बोले। और उस वजह से इन लोगों ने एज रिस्ट्रिक्ट दिया होगा, बाकी मेरे को कोई रीजन नहीं लगता। चार सेकंड पे क्या है, बोरकुट ही तो खा रहा हो। और यूट्यूब ने बोरकुट को ही काउंटर मतलब काउंट कर लिया, समझे गाइस। आपको पता है टोटल गेमिंग का जो सेटअप है वो कितने का है, 2.5 करोड़ का है गाइस। 2.5 करोड़ का सेटअप है उनका, सब कुछ मिला के पीसी माइक कीबोर्ड एक्सेट्रा सारी चीजें मिला के गाइस 2.5 करोड़ का सेटअप है उनका। इसी के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, आप देखिए। और हाँ, बाकी मैं सेटअप टूर का भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो की आने वाले संडे को आएगा या उससे पहले ही आ जाए, पता नहीं, मेरे को कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। बाकी मैंने अभी रियलाइज किया कि जो मेरा सेटअप टूर है उसपे 2.5 करोड़ के ऊपर का मैंने खर्चा करके रखा है। मतलब रूम इतना डेकोरेशन वाला नहीं है, बाकी सब चीजें जो खरीद के रखी है 2.5 करोड़ की है भाई, समझ रहे हो तुम बात को। तो खतरनाक वीडियो होगा, संडे को मिलते हैं। 2.5 करोड़ नहीं, मतलब 2.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, 2.54 crore का होगा रूम में सामान। और सामान अच्छा है, मैं दिखाता हूँ, सोना नहीं है, बट सोना चांदी नहीं है, बाकी सब चीजें तगड़ी। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक बर्नर के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा उनका एक ब्रांड है ओवरले करके, तो गाइस उस चीज को लेके, उस ओवरले की कंपनी को लेके मीन्स काफी ज्यादा उनको कॉपी किया जा रहा है। तो इसी चीज के बारे में टेक बर्नर ने कुछ बोला है, आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। हमारे स्टार्टअप के फेक कपड़े हमने बिकते हुए देखे, हमारी टीम से लोग सरोजनी मार्केट घूम रहे थे, वहाँ पे उनको दिखता है, ओ यहाँ पर फेक ओवरलेज बेची जा रही है। ये हमारा कपड़ों का स्टार्टअप है, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े बनाते हैं। आप लोगों ने हमको रील्स भेजी फेक वेबसाइट्स की, स्टोर्स पे फेक जो बेचा जा रहा है, उसके अलावा हमने खुद भी नोटिस करा काफी सारे मेट्रो स्टेशन पे लोग पहने हुए। हमको मैसेजेस में आए ओवरलेज.नेपाल की कोई वेबसाइट बनी हुई है, ओवरलेज बांग्लादेश की अलग से वेबसाइट बनी है। तो मैं आपको एकदम सीधा बताता हूँ, हमारी बस एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है ओवरलेज.co। हम इन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। हम जो फैब्रिक्स की क्वालिटी यूज करते हैं, हम जो प्रिंट्स की क्वालिटी यूज करते हैं, उसको हमको बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं इंडिया की टॉप मिल्स में। तो कॉपी करके आपको सेम क्वालिटी कहीं पे नहीं मिल पाएगी। अभी हमारा कोई करंटली ऑफलाइन स्टोर नहीं है, अगर आपको मेल आती है तो ऑफिशियल ईमेल आईडी से आएगी। थैंक यू सो मच अपना इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, हर स्टेप पे हमको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, UK07 राइडर के बारे में। तो गाइस उनका रंगरेजा जो सॉन्ग आने वाला था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि खानजादी के साथ आने वाला है, तो गाइस वो वीडियो आ चुका है, और वो म्यूजिक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, एलविश यादव के बारे में। तो गाइस अभी जो रिसेंटली उनकी वीडियो वायरल हुई थी, थप्पड़ मारा था उन्होंने किसी को, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। मैं अपने आराम से बाहर निकल रहा, बढ़िया, देखा होगा उसके, मेरे साथ में सही सिक्योरिटी भी है, कोई दिक्कत वाली बात ना, मैं किसी से ना कुछ कह रहा और ना कोई मुझे कह रहा था, मैं अपने आराम से निकल रहा था भाई। पीछे से एक जने ने कमेंट पास पड़ा करा, बड़ा गंदा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे ना भाई। मेरे कानों में आवाज आ गई, मगर ये क्या सुन लिया मैंने, मेरा नाम लेके बोला उनने भाई। मैंने फिर वीडियो में तुमने देखा, मैंने उल्टा घूमा और मैंने उसके मार दिया, तो वहाँ से फिर मैं चला गया। उसके बाद भाई मैंने ट्विटर पर देखा कि एक दूसरी साइड की टीम भी रेडी हो रखी है। अच्छा, एल्विस तो ये है हमारे यूथ आइकन, ये है हमारे आइडल, ये रोड पे चलते हुए थप्पड़ मारते। मैंने सोच रहा भाई कोई उनकी माँ भाण को गाली बक दे पीछे से, अगर ये वहां जाके तुम क्या करोगे, स्माइल पास करोगे उसको, ये इग्नोर मार के चल दोगे। हमारा तो भाई जमीर जिंदा, अभी हमारा कोई गाली बकेगा हम तो नहीं सुन पाते। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।